Hi guys, welcome back to another video and thank you so much for all the love which you are showing lately. Uncarding और बाकी इंडिया में जितनी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं सबकी तो अनकार्डिंग केसेस के बारे में सब कुछ तो मैं आपको बताते ही रहता हूं, बट वॉट आई एम रियली रियलाइजिंग इज कि जहां मैं सही में आपकी मदद कर पा रहा हूं, दैट इज वेयर आई एम एबल टू टेल यू अबाउट हॉट व्हील्स कि भाई हॉट व्हील्स को कलेक्ट कैसे करना है. केसेस आते हैं, केसेस के बारे में इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई पूरा केस कहां से ले. 72 पीसेस का जो बॉक्स होता है, इनफैक्ट आई हैव गॉट वन इन माई हैंड राइट नाउ, भाई देख लो यही होता है वो केस. इसको मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं. यहां पे लिखा हुआ है क्या, मेड इन मलेशिया, दिस कंटेन 72 पीसेस LLB. तो केसेस को पढ़ना वगैरह कैसे है ऐसे मैंने बता रखा है, बट ठीक है अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं क्योंकि ये एक केस स्पेसिफिक वीडियो है, सिर्फ केसेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं. देखो इसमें लिखा हुआ है 95 LLLB. तो जनरली ये जो दो वर्ड्स होते हैं ना, हर जगह ये अलग चलता है, कहीं कहीं पे अलग चलता है. इंडिया में जनरली अभी तक जो मैंने नोटिस किया है LLB, तो ये इस वाले एल को आप इग्नोर कर दो, है ना. ये जो दो एल आपके बच रहे हैं ये LL हो गया, या फिर इस तरीके से और भी आपने देखा होगा PP QQ, इस तरीके से जो भी केस आता है वो आपका रहता है. बाकी फिर ऊपर से टेप्ड रहता है. भाई यहां पे एक और चीज बहुत सारे मैं देखता हूं कि टेपिंग उन्होंने रीटेप कर रखा था, क्योंकि देखो मेटल वालों की ऑफिशियल एक कोई ऐसा मैंने आज तक टेप नहीं देखा है कि हाँ मेटल का कोई अपना सील, जैसे कि मिनी GT का होता है या आईफोन का होता है, आप आईफोन खरीदोगे तो उसका एक अपना एक सील होता है खास तरीके का, उस तरीके का मैंने आज तक मेटल के बॉक्स में नहीं देखा है. भाई रेगुलर जो व्हाइट वाला अपना ट्रांसपेरेंट टेप होता है, उसी टेप वाले बॉक्स में से मेरी एक नहीं मल्टीपल बार STH निकली हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि टेपिंग वगैरह ना वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर और उसके ऊपर डिपेंड करता है जिससे आप ले रहे हो. उसके बारे में अभी आपको बताता हूं. यहां पे देखो मेटल लिखा हुआ है, केस कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, असॉर्टमेंट लिखा है नीचे, फिर आपको यही मलेशिया की पैकेजिंग मिलती है कि बॉक्स मीट्स ऑल द कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स, रिसाइक्लेबल है. यहां पे फिर मेटल की ब्रांडिंग मिल जाती है, बारकोड मिल जाता है, एंड इट्स मेड इन मलेशिया 72 पीसेस. एनीवे नाउ दैट वी हैव कवर्ड द बेसिक्स कि ठीक है एक बॉक्स आता है जिसमें कि 72 पीसेस होते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बॉक्स. दिस इज अ होलसेल बॉक्स. जब गाड़ियां होलसेल में होती हैं, देखो एक और बड़ा डिफरेंस होता है. देखो अपने पास जैसे ब्रांड्स अलग अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई शो यू दिस इज अ मिनी GT, तो मिनी GT हो गया, फिर ये अपनी BM क्रिएशंस हो गई, ये अपनी टॉमिका हो गई. तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं ना, सम ऑफ देम हैव गॉट ऑफिशियल प्रेजेंस इन इंडिया, सम ऑफ देम डू नॉट हैव. तो ये देखो इस तरीके के जो अलग अलग आपके ब्रांड्स होते हैं, इनका कैसा है कि पीपल गेट देम इंडिविजुअली और दे गेट इन बल्क एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट इट. बट मेटल एज अ कंपनी इज हियर इन इंडिया, उनकी बारबी है, उनका ऊनो है, उनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं और अपने अलग अलग आइटम्स हैं. दे हैव गॉट अ प्रॉपर रिटेल चेन, एक चेन फॉलो होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार इज इम्पोर्टेड, वेन इम्पोर्टेड इट लैंड्स देयर. ये जो एड्रेस है ना आपका जो पीछे लिखा रहता है, इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाई मेटल टॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका ये आपका BKC मुंबई का एक एड्रेस दिया हुआ है. तो यहां पे आपकी सारी गाड़ियां इस एड्रेस पे एटलीस्ट ऑफिशियली इंपोर्ट होती हैं. फ्रॉम देयर ऑन इट इज देन डिस्पैच्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स. अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं कि भाई देखो जो टॉय शॉप्स हैं, अब कोई कोई टॉय शॉप्स आपने भी देखे होंगे कि भाई आप उनके पास कभी भी चले जाओ 10-15-20 गाड़ी से ज्यादा नहीं होती है. दे डू नॉट इवन हैव द कैपेसिटी टू परचेज अ फुल केस, क्योंकि केस में आप देख सकते हो 72 कार्स होती हैं. 72 × 179 विच इज द प्रेजेंट MRP इज द ऑफिशियल प्राइस ऑफ दिस बॉक्स. तो उतना ज्यादा बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. भाई जो छोटा एक दुकान चला रहे हैं, पहले जब 100 रुपए की गाड़ी आती थी तो फिर भी बिक जाती थी, आज की डेट में आप जाके देखो डेड स्टॉक बहुत ज्यादा रहने लगा है, क्योंकि नॉर्मल मैं और आप तो कलेक्टर हैं, चलो हमें कुछ पसंद आया तो ले लिया, पर एक आदमी जो अपने बच्चे के लिए खिलौने की तरह हॉट व्हील्स को लेता था, अब उसको 180 रुपए में और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलने लगे हैं. एंड दे थिंक कि भाई इस छोटी सी गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में मैं अगर लगा दूंगा 180 रुपए, उससे अच्छा कि मैं उसको कुछ और लेके दे दूं. प्लस आजकल ये आपके चाइनीज टॉयज वगैरह भी जो है, दे हैव बिकम रियली पॉपुलर. आई विल शो यू, देखो इस तरीके की जो कार है, मेटल डाईकास्ट. अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, खास करके जो अनलाइसेंस टाइप के हैं, जस्ट मेंट फॉर टॉय पर्पसेस. तो इतनी बड़ी गाड़ी आपको 300 में मिल जाएगी, और 300 में आपको मालूम है ये मिलती है विच इज द हॉट व्हील्स का एक स्पेशल सीरीज अल्ट्रा हॉट्स वगैरह. तो फॉर प्ले वैल्यू दिस इज गॉट, यू नो ऑल दिस पुल बैक थिंग, ऐसे आप करोगे ऐसे इसके व्हील्स रोल होंगे. दिस इज गॉट ओपनेबल डोर्स, ऐसे मैं डोर्स ओपन करके दिखाता हूं. दिस इज गॉट ओपनेबल डोर्स,
मॉडल कौन सा है मैं आपको बाद में एक डिटेल इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा, फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि व्हाट ग्रेट प्ले वैल्यू इट हैज। तो अगर एक पेरेंट को चूज करना है, ही विल प्रोबेबली चूज दिस, क्योंकि भाई उसको अपने बच्चे को कलेक्टर नहीं बनाना है, उसको अपने बच्चे को एक खिलौना देना है खेलने के लिए। एनी वे, नाउ दैट आई एक्सप्लेन द सिचुएशन टू यू कि कैसे काम करता है, तो भाई देखो अब यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर द पीपल हु रिसीव दीज बॉक्सेस। मेटल क्या करता है कि भाई ठीक है आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको ऐसे 15, 20, 50, 100 जितने बड़े शहर में आप हो, जितनी वहां पे डिमांड है उसके हिसाब से बॉक्स आपको भेज देगा। अब वहां से फिर ये होलसेल होते हैं, तो होलसेल में जब भी रिटेलर वहां पे मान लो कोई टॉय शॉप वाला है, भाई 50 बॉक्स है उसके पास कोई काम नहीं है, हो सकता है 2-3 डब्बे ले, 2-3 डब्बे का ऑर्डर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर विल सेंड इट टू हिम। ऑल्सो व्हाट दिस मेक्स इट रियली कन्वीनियंट इज कि भाई सीधा मेटल से मंगाने में आप सोचो कोई साउथ से मंगा रहा है, कोई नॉर्थ से मंगा रहा है, ऐसे जो लोकल उनके आसपास के हैं, जैसे मान लो कि दिल्ली में एक है तो पूरे एनसीआर को सर्व कर देगा, मुंबई में है तो थोड़ा आसपास की जगहों को सर्व कर देगा इस तरीके से, या हो सकता है मुंबई बड़ा शहर है तो वहां पे 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर हो अलग अलग सेक्शंस में। ओनली टू वेज यू कैन बाय दिस, सी फर्स्ट इज कि यू इधर टॉक टू योर रिटेलर ओनली कि भाई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से 2 डब्बे उठा के लाया है, आप बोलो कि भाई मुझे आप पूरा का पूरा 1 डब्बा दे दो। प्राइस इस डब्बे का हमेशा 179 × 72 होता है। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये जो प्राइस है कितना है, भाई प्राइस देखो ऑफिशियल प्राइस उतना ही है। अब ये कहीं लिखा भी नहीं है कि अगर आप पूरा डब्बा लोगे तो आपको इतने प्राइस पे मिलना चाहिए, कोई ऐसा मार्जिन फिक्स्ड नहीं है, कोई पब्लिक मार्जिन नहीं है जो हॉटवेल्स ने डिक्लेयर करके रखा है कि हाँ अगर आप एक बॉक्स लोगे तो हम आपको इतने परसेंट पे देंगे, वो आपके रिटेलर की दया पे है। अब आप रिटेलर से ले रहे हो, रिटेलर बोलेगा कि भाई तू एक ले या 72 ले पूरे के पूरे, मैं तुझे एमआरपी पे ही दूंगा। एमआरपी पे देने का मतलब हो जाएगा कि आपको पूरी प्राइस इसकी पे करनी पड़ेगी, विच विल बी 12,888 रुपए। तो 12,888 ऑलमोस्ट 13,000 आप लगा लो, 13,000 आपको इसके देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ हैवी बॉक्स, इट्स अ बिग बॉक्स। एक गाड़ी का मैंने आपको पहले दिखाया था, एक गाड़ी का वेट होता है करीब करीब 40-45 ग्राम एक मेन लाइन का, तो वो इतने बड़े बॉक्स में 72 पीसेस, तो इसका वेट भी अच्छा खासा होता है। शिपिंग में भी 400-500 आराम से जाएंगे आपके। इफ यू गेट इट शिप्ड आपको 13,500 के आसपास एक बॉक्स पड़ेगा एमआरपी पे। रिटेलर से ले रहे हो या इन हैंड ले रहे हो, अपने सामने से जाके ले रहे हो सकता है 5-10% वो अपनी दया पे छोड़ देगा। दूसरा होता है कुछ लोग, पता नहीं आप लोग इतना ज्यादा क्यों पूछते हो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। बिकॉज आई विल टेल यू, आप मेरे किसी भी बॉक्स की अनबॉक्सिंग जाके देखो, आई गॉट मल्टीपल, मैंने इंडिया में जो फर्स्ट आया था उसका किया, बहुत सारे ऑलमोस्ट हर बॉक्स का किया है। गो एंड वॉच द वीडियो भाई, आधी आपकी ऐसी अच्छी गाड़ियां होती हैं जो काम की होती हैं, विच इज लाइक अ लैम्बोर्गिनी और यू नो एनी गुड कार, बाकी भाई आधे से ज्यादा होती है फैंटेसी कास्टिंग्स। भाई मैं तो बिल्कुल ही फैंटेसी कलेक्ट नहीं करता हूं, लकीली ये मुझे फ्री वाली जो मिली थी उसको ही दिखा देता हूं। फैंटेसी कास्टिंग वो होती है जो आपकी एक रियल कार पे बेस्ड नहीं होती है, दिस इज लाइक एन इमेजिनेशन। हॉट व्हील्स अपना दिमाग में ऐसे इमेजिन करता है कि ओके लेट्स इमेजिन सर्टेन कार विच इज वाइड, विच इज यू नो, तरह तरह की आती है भाई, कोई डोनट के शेप की होती है, कोई एक हॉट रॉड टाइप की होती है, सो देर आर अ लॉट ऑफ फैंटेसी कास्टिंग्स। नाउ दीज आर वेरी नाइस एंड फन टू प्ले विथ, बट जैसा मैंने आपको बताया कि आज के डेट में भाई बच्चों को उतनी हॉट व्हील्स नहीं मिल पा रही है जैसे पहले मिला करती थी, अब पेरेंट्स उतना नहीं दिला रहे हैं, वो बजट नहीं बच रहा है हॉट व्हील्स दिलाने का, जिसकी वजह से दीज क्रिएट अ लॉट ऑफ डेड स्टॉक। कलेक्टर हो आप, आपके पास कोई कलेक्टर आएगा, भाई केस आपने खोला, मान लो कि ये केस का था, पी का था, ये पसंद आई, मैक्लारेन पसंद आई और 3-4 गाड़ियां पसंद आई, तो वो एक बार में 5-7 गाड़ी उठा के ले जाएगा, बट बाकी के भाई आपके अच्छे अच्छे खत्म होते जाएंगे। मान लो 50-50 का भी रेशियो आप लगा लो कि 50 अच्छे हैं रियल कार्स विच आर गुड एंड 50 आपके फैंटेसी हैं, तो बाकी के जो 50 बचते हैं दे बिकम अ बिग हेडेक स्पेशली इन द लॉन्ग रन। एक केस के 20 बचे, फिर अगले के 20-25 बचे, तो ऐसे बचते 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 आपके वो एक मतलब आप समझो कि 3-4 केसेस के बाद एक केस के बराबर तो आपके सिर्फ गाड़ियां बचे रह जाएंगे, राइट। 25 अगर एक केस में बच रहे हैं तो आप लगा लो कि 3 केस में 75 बचे, तो 75 कार्स यू विल हैव जस्ट लाइंग अराउंड विद नथिंग टू डू, और फिर उसमें वो करना पड़ता है कि डिस्काउंट दो, ये करो वो करो, और अगर आपने एमआरपी पे उठाया है और अगर आप फिर डिस्काउंट पे निकाल रहे हो तो फिर आपको पूरा लॉस में ही बेचना पड़ेगा ऑब्वियसली। बेसिकली हाउ द केस सिस्टम वर्क्स, मैंने आपको केसेस के बारे में इसलिए बता दिया कि भाई देखो केस ओपन करने का जो एक थ्रिल है और वो सब वीडियोस में देख के अच्छा लगता है, वी ऑल्सो डू इट मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, ऐसा कोई किसी को एनकरेज करने के लिए नहीं करते हैं कि भाई आप केसेस उठाओ, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ फेयर वार्निंग टू बी ऑनेस्ट। अगर आप एक केस लेते हो तो उसमें से फालतू गाड़ियां भी निकलेंगी, फिर आप उसको
इधर उधर ऑब्वियसली यू विल गेट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं इसको कैसे डिस्कार्ड करूं क्या करूं। इफ यू गॉट अ गुड चेन यू वांट टू डू दिस प्रोफेशनली फील फ्री टॉक टू द नियरेस्ट मेटल डिस्ट्रीब्यूटर नियर यू। ऑनलाइन और इस तरीके से ऐसे ये नहीं बिकते हैं। शायद आपको मिनी जीटी या कोई और ब्रांड जो कोई इंपोर्ट कर रहा है वो ऑनलाइन आपको एक सर्टेन परसेंटेज पे बल्क में होलसेल में दे दे। मटेल इज इटसेल्फ इन इंडिया और उनका एक प्रॉपर चेन है, तो उस चेन को ही फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ये बॉक्सेस चाहिए। आई स्वेयर टू गॉड आई गॉट सो मेनी कमेंट्स, मतलब हर दूसरे वीडियो पे कम से कम 5 कमेंट्स तो रहते ही है केसेस से रिलेटेड। मैंने केसेस को पहचानने वगैरह की वीडियो बनाई थी बिकॉज दैट इज वॉट आई थॉट कलेक्टर्स वुड वॉन्ट, बट नहीं, आपको ये जानना था कि केसेस मिलते कैसे हैं, कितने के होते हैं, कहां से मिलते हैं। सो यू गेट इट फ्रॉम द लोकल मेटल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऑब्वियसली रिटेलर से तो मिल ही जाएगा, बट हाँ अगर आपको होलसेल में उठाना है यू वॉन्ट इट एट अ गुड रेट, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो। हो सकता है कि वो जिस रेट पे रिटेलर को देगा उसी रेट पे, या हो सकता है उससे थोड़ा 19-20 आपको दे दे, तो आपके 2-4 रुपए उधर बच जाएंगे। कलेक्शन पर्पसेस के लिए इफ आई एम ऑनेस्ट मैंने भी एक दो लिए थे जोश जोश में। इट इज नॉट रियली द वे टू कलेक्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे पैसे आपके पास अनलिमिटेड भी होना तो स्पेस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लिमिटेड होती हैं। तो अभी मेरे पास मान लो इतनी सारी जगह में मुझे अपनी गाड़ियां फिट करनी है। इफ आई गेट 20 रियल कार्स पर केस, ठीक है 3 केसेस की मेरी गाड़ी इसमें फिट होंगी, फिर भी 60 कार्स ही होंगी, 12 गाड़ियां बची रहेंगी। 72 कार्स अगर मैं केस लूंगा तो भाई 72 कार्स में ये भर जाएगा पूरा। एंड इफ यू हैव गॉट द टाइम एंड एनर्जी टू गो एंड सेल कि ठीक है मैं इसको बेच दूंगा, वो स्पेयर्स को ये कर दूंगा, देन ऑल द बेस्ट टू यू, आई रियली होप यू डू वेल। बट जिसको हो नहीं पाता है उसके पास वो पड़ी रह जाती है, देन दैट इज जस्ट यूजलेस टू बी ऑनेस्ट, नॉट टू मच नॉट टू लेस। सो छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है टू एक्सप्लेन हाउ केसेस वर्क, वॉट आर केसेस। ये जो आप देखते हो बड़े बड़े डब्बे जिसमें हॉट व्हील्स आते हैं, सीरीज चलती है इनकी, वो सब के बारे में मैंने अपने केसेस वाले वीडियो में बात की है। अभी भी आपको ऐसे बेसिक बता देता हूं, A2Q चलता है, बीच में O नहीं आता है, बीच में I नहीं आता है, क्योंकि I 1 जैसा लगता है और O 0 जैसा लगता है, तो हॉट व्हील्स का मानना है कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन दोनों को नहीं देता है। बाकी A B C D E F G H I स्किप हो जाता है, उसके बाद सीधा J आता है, K L M N, फिर O स्किप हो जाता है, P Q उसके बाद नहीं आता है, Q के बाद आप देख रहे हो कि बाकी भी यूट्यूबर्स डाल रहे हैं। अब सीधा A केस आएगा 2025 का। तो केसेस के बारे में आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आप अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए करना चाह रहे हो, ऑल द बेस्ट टू यू। लेट मी नो हाउ मच दिस वीडियो हेल्प यू। और भाई सोर्सेस टू गेट केसेस इट्स ऑल अबाउट योर सिटी, फाइंड आउट। आप रिटेलर से बात करो, उनसे पूछो कि आप कहां से डिस्ट्रीब्यूटर से किस डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो। अगर आपकी दोस्ती है शॉपकीपर से शायद वो आपको बता दे, शायद वो आपको नहीं बताना चाहे क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसे कंपीट करने वाले हो। दैट इज ऑल अपॉन यू, योर पर्सनल कनेक्शन। क्योंकि भाई जैसा मैंने बताया कि हर जगह ही ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हर शहर में या एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो 2-3 शहर संभालता है, तो आपके पास कौन है वो आपको देखना पड़ेगा। दैट इज समवेयर आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू एट ऑल। थैंक यू।